तरफ जहां आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर प्रतिद्वंदी पार्टियों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दो दिवसीय अमेठी दौरे से ठीक पूर्व कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर स्मृति ईरानी पर घोटाले सहित कई गंभीर आरोप लगाए और यह भी कहा कि स्मृति ईरानी को अमेठी जाने पर उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, जहां पर कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने स्मृति ईरानी को 11 मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है और इन मुद्दों पर उनसे जवाब मांगा है। कांग्रेस पार्टी के इस कृत्य से यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर कितनी बौखलाहट भरी हुई है। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। जो संस्था मंडली नामक संस्था थी, संस्था को काम देने से उसमें कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वो सांसद निधि नियमावली का भी उल्लंघन था, जिस कारण से सीएजी ने उस पर कई सारे सवाल उठाए, सीएजी ने आपत्ति उठाई। आखिर सीएजी जब इसके पहले आपत्ति जताती थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते चिल्लाते थे। जब सीएजी ने उनकी प्रिय मंत्री, प्रधानमंत्री जी के प्रिय मंत्री की सांसद निधि घोटाले पर आरोप लगाया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप क्यों हैं? इस बार कांग्रेस पार्टी उनके जवाब स्मृति ईरानी जी में आएंगी, उनसे जवाब मांगेगी। इनकी संस्थाओं के माध्यम से पैसे का बदरबाट, पैसों में भ्रष्टाचार करने की आदत नहीं गई। अमेठी में स्मृति ईरानी जी एक उत्थान सेवा संस्थान नामक संस्था लेकर आई। उनके यहां से चुनाव लड़ने के बाद संस्था स्थापित हुई। ये संस्था गाजियाबाद से रजिस्टर्ड है, लेकिन संस्था गाजियाबाद की अंडर 10 अंडर 100 सूची तक में इसका नाम नहीं है। तब भी इस संस्था को स्मृति ईरानी जी के प्रयास से कई करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, जबकि संस्था न 12वे है, न ATG है, न संस्था का बैलेंस शीट है, वेबसाइट पे इसकी पूरी जानकारियां नहीं है। संस्था ने अपनी वेबसाइट पर दिया है कि एक कंपनी है, जबकि कंपनी एक्ट 1860 का उल्लेख किया है, जबकि 1860 कंपनी एक्ट है ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी ने कई सारी विसंगतियां हैं, कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे भ्रष्टाचार प्रदर्शित होता है, भ्रष्टाचार दिखता है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, आखिर आपकी संस्थाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार करने की आदत थी, आपका वहां पेट नहीं भरा, अमेठी के लोगों ने आपको इतना वोट दिया, उसके बाद आप अमेठी में काम करने के बजाय, आपने अमेठी में काम तो किया नहीं, जितनी बार अमेठी आई उतनी विकास की योजनाएं छीन कर ले गई आपने। अमेठी में संस्था के माध्यम से भ्रष्टाचार जो किया है उसका जवाब अमेठी आकर आपको देना पड़ेगा। ओ मेरी बहना, अब बस तुम रोटी मसाले लाओ, ओ अपनी रसोई की तुम बहना फिर से शान बढ़ाओ। मेरी बहना, अब बस तुम रोटी मसाले लाओ, ओ अपनी रसोई की तुम पुर से देखो शान।